तो अब जब 2014 के बाद जब एक कमेटी बनी, जीडी कमीशन बना, उस कमीशन ने इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया कि पहाड़ी जो हैं वो एक ट्राइबल एथनिक ग्रुप थे और उनको एसपी स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो पहाड़ी के अगेंस्ट निकाल रहे हैं तो हमने तो अपने आप को स्टेटस, वो कह रहे हैं हमारे भाई बंधु, हाँ तो ऑब्वियसली बात है हम तो अपने आप को स्टेटस नहीं दे सकते, ये काम तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी बॉडीज का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जम्मू, मैं पंकज। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हालांकि इलेक्शंस तो नहीं हो रहे, लेकिन ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं जिसमें इलेक्शन किए जाएं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो रूलिंग पार्टी है उसको मिले। हाल ही में पहाड़ी स्टेटस काफी चर्चा का विषय रहा, और मैं बात करूं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो उन्होंने जम्मू में एक मेगा रैली को जब एड्रेस किया था तो भगवती नगर में हुई थी चौथे ब्रिज के पास, तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ी स्टेटस किसी ने अगर देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तब से लेके आज तक लंबा अंतराल रहा और पहाड़ी स्पीकिंग जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कब जाके उनको पहाड़ी स्टेटस मिले। हालांकि इसके विपरीत बात की जाए तो जो विपक्ष में थे विशेष समुदाय से, उन्होंने इसका जो है वो खंडन भी किया और कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी रिसेगमेंट भी शुरू की और कई बार उन्होंने मार्च भी निकाला। आखिर कब मिलेगा पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को पहाड़ी स्पीकिंग का एसटी स्टेटस में दर्जा? इस सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रीति शर्मा जी हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं और बच्चों को आगे बढ़ने में उनको अपने कैरियर में आईएएस केएएस बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किस प्रकार से वो अपने आप को अव्वल ला सके मदद करती हैं। अगली बातचीत सीधे प्रीति जी से करेंगे कि क्या वो एसटी स्टेटस पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को जो मिलने जा रहा है इसमें देरी क्यों हो रही है जानने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट बड़े जोर शोर से कहती है कि ये स्टेटस मिलेगा, लेकिन स्टिल अब तक वो सिर्फ डिबेट का हिस्सा है, उस पर फाइनल अभी तक मुहर नहीं लगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच। वेल, आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत बार इस पर बात कर चुकी है लेकिन अभी स्टेटस अभी मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है जीडी कमीशन बनाया था, उसके बाद जो हमारी तीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक आर ट्राइबल कमीशन जो है नेशनल जो कमीशन फॉर ट्राइबल्स है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है एंड देन जो हमारा जो मिनिस्ट्री है जो हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो अप्रूव कर चुके हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है इसको नोटिफाई भी किया था लोकसभा के लिए, लेकिन किसी वजह से क्योंकि गवर्नमेंट्स की अपनी एक लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस होते हैं उनमें जल्दी करना या कैसे करना ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड गवर्नमेंट खुद करती है, और ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो लेजिस्लेचर्स हैं ये उनका काम है। अब लगता है जल्दी नहीं करना तो ठीक है, दूसरे तरीके से कहा जाए तो देरी की जा रही है। मैंने आपको यही बोला कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक आम इंसान उसमें कुछ कर नहीं सकता। पहाड़ी जो है वो जो डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है, लेकिन अब उसको एक एक लेजिटिमेट वे में उसको पास करना है तो वो प्रोसेस जो है वो लेजिस्लेचर का होता है, वो पास करना पार्लियामेंट का होता है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उसमें पूरे पार्लियामेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है, हमारा लोकसभा, हमारी राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, आज तक बहुत वेट किया पहाड़ीज ने, और इसको एक बार लीगलाइज जब कर दिया जाएगा, इनफैक्ट पहाड़ीज एक ट्राइबल ग्रुप है उसको तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके। अच्छा, आपने कहा वेट किया, आपको लगता है अब हो जाएगा? क्योंकि पिछली जिन सरकारों ने सपोर्ट किया, इनिशिएटिव लिया, फिर नहीं लिया, फिर आगे बातचीत नहीं हुई, आपको लगता है अब की बार हो जाएगा? एब्सोल्युटली सर, जो एक कहते हैं ना कि प्राइमरी स्टेजेस पे ये सब चीजें हो चुकी थी, अब हमारी एक फाइनल स्टेज है, तो होप्स हो कि आने वाले सेशन में गवर्नमेंट इसको जो है वो जरूर पास करेगी। प्राइमरी स्टेज हो चुकी है और फाइनल स्टेज पे है, तो पहाड़ी स्पीकिंग जो लोग हैं उनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा, ऐसा मैम का मानना है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिखे। अच्छा, बाकी चीजें हम सब जानते हैं, कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई इस पे और बड़े सारे लोगों का ये कहना है कि जो विशेष समुदाय से जो अपर क्लासेस हैं वो जो है वो एसटी स्टेटस में आ रही है, इसलिए वो इसके खिलाफ भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उन्होंने इवन की, जहां तक की रैली मार्च भी निकाले, तो आपको क्या लगता है वो कहां तक किस हद तक सही है या उनका इस तरीके से करना कितना मायने रखता है? देखिए सर, हर एक कम्युनिटी को ना एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, सिमिलरली पहाड़ीज के पास भी एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात रखें। बात ये होती है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जब इंडिविजुअल कोई बात रखता है
तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स उसको पूरा करते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमने एक बार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जब इलेक्ट कर दिया तो फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे आपने कहा कंट्रोवर्सी की बात है, तो कंट्रोवर्सी तो मेरे को लगता है बहुत बेसिक कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, बिकॉज एसटी स्टेटस के लिए सबसे पहले तो अंडरस्टैंड ये करना है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए वो लोग तो कहते हैं हमारा हक हमारा है। सर अब मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि मैं आपको थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा अगर इस पर ब्रीफ कर सकूँ कि एक लोकल कमेटी बनाई गई थी। लोकल कमेटी ने कुछ 5 क्राइटेरिया डिसाइड किए थे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 5 क्राइटेरिया किसके लिए, पहाड़ी के लिए या एसटी स्टेटस के लिए? ट्राइबल स्टेटस के लिए, कि जो ट्राइबल्स उनके उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में कैसे डाला जाएगा उसके लिए एक 5 क्राइटेरिया है, जिसमें 1 ऑफ द क्राइटेरिया जो है वो है प्रिमिटिव ट्रेड। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो बात करता है आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात करता है। थर्ड जो है वो बैकवर्डनेस की बात करता है। फोर्थ जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता है, कल्चरल आइसोलेशन की बात करता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ सर कि इस सारे क्राइटेरिया में पहाड़ीज जो है वो फॉल करते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज किया है एज ए ट्राइबल ग्रुप। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी ट्राइबल के क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज 5 के अंडर डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल्स है, तो उन्होंने ये एम्पावर्ड किया है अंडर आर्टिकल 342 के अंडर कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे ट्राइबल ग्रुप्स को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। और पार्लियामेंट ने उसी चीज को फॉलो करते हुए लोकल कमेटी बनाई थी जिसमें ये जो 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए इन क्राइटेरिया को फिक्स किया था। तो अब जब 2014 के बाद जब एक कमेटी बनी, जीडी कमीशन बना, उस कमीशन ने इन क्राइटेरिया के बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया कि पहाड़ी जो है वो एक ट्राइबल एथनिक ग्रुप है और उनको एसपी स्टेटस मिलना चाहिए। विरोध क्यों हो रहा है? जो विरोध कर रहे हैं वो ये कहना है कि अपर क्लास है, नहीं मिलना चाहिए, फिर विरोध कहां? सर आपको इसी में आंसर मेरा मिल जाएगा कि ये बहुत बेसलेस बात है। अपर क्लास को क्राइटेरिया ही नहीं है, कहां पे ये बात लिखी है? अगर कोई मुझे ये बता दे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में या किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये लिखा है कि जो अपर कास्ट है उनको ट्राइबल नहीं बोला जाए? विरोध क्यों किया जाए? विरोध मैंने आपको बोला दैट इज देयर फंडामेंटल राइट। उनको उनके कुछ अपने मोटिव्स हैं, उन मोटिव्स पे को तो मैं नहीं जानती ना कोई और जानता है। अगर मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि विरोध इंसान तब करता है जब कोई चीज एस्टेब्लिश ना हो। हमारी कंट्री सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेटरी बॉडीज एस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि पहाड़ी जो हैं वो एक ट्राइबल ग्रुप हैं और उनको एसटी स्टेटस दे देना चाहिए, तो इसमें विरोध करने वाली तो कोई बात ही नहीं। दैट मींस हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या तो किसी ने, मैंने या किसी और ने तो नहीं दिया ट्राइबल स्टेटस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हैं कि जो 5 उसमें क्राइटेरिया रखे गए उसमें से 4 जो है उसमें पूरे तरीके से पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो है वो फॉलो करते हैं, उसी के बेस पे उनको एसटी स्टेटस दिया जा रहा है। पूरे 5 के 5 क्राइटेरिया, पूरे 5 के 5 क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि उसमें फुलफिल करते हैं, तो उसी के बेस पे इनको स्टेटस दिया जा रहा है। लेकिन जो अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो इसके विरोध में है कि वह एसटी स्टेटस नहीं रिजर्व करते, वो किस बुनियाद पे बोल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनके द्वारा बड़े जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ, इवन की मार्चेस भी निकाले गए, तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? आपने तो कहा ठीक है उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मार्च निकालना और इसके ऊपर बातचीत रखना, इसको कैसे देखते हैं? सर मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि वो मार्च किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं? वो पहाड़ी के अगेंस्ट निकाल रहे हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट? मुझे तो यही नहीं समझ आती है, क्योंकि अगर वो पहाड़ी के अगेंस्ट निकाल रहे हैं तो हमने तो अपने आप को स्टेटस नहीं, वो कह रहे हैं हमारे भाई बंधु हैं। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, हम तो अपने आप को स्टेटस नहीं दे सकते, ये काम तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी बॉडीज का है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी बॉडीज, उनके पास प्रेरोगेटिव है किसी को ये स्टेटस देने के लिए, और वो उस प्रेरोगेटिव का यूज करके अगर हमें, अगर पहाड़ी को ये स्टेटस दे रहे हैं, तो दैट मीन्स ये मार्च तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा आपने 5 चीजें जो क्राइटेरिया बताया जिसमें से आपने कहा आइसोलेशन, कल्चर अलग से होना चाहिए, दूर दराज होना चाहिए, ये चीज कभी बाहर नहीं है। आज मैं भी बड़े बार इस पे बातचीत की है आपके थ्रू पता चला, तो वो बाहर क्यों नहीं आई, उसका क्या बड़ा कारण है? सर एक्चुअली में क्या होता है ना कि कम्युनिटीज को जब डेवलपमेंट प्रोसेस में डाला जाता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली एक ही जगह के रहने वाले लोगों में से किसी एक कम्युनिटी को जो है वो स्टेटस मिल गया और किसी एक कम्युनिटी को स्टेटस नहीं मिला। लेकिन जो पीछे कम्युनिटी रह गई ना, उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि आगे जाके जब हमें इंक्लूड किया जाएगा
तो हमारे हमारे ऊपर ही जो क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये नैरेटिव कभी सामने आया ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था या पहाड़ी जो कम्युनिटी है उनको ऐसा लगता था कि अगर हमारे साथ रहने वाले लोगों को ये स्टेटस दिया गया और पहाड़ी कम्युनिटी ने खुल के उसको सपोर्ट किया, तो शायद जब उन्हें ये सब स्टेटस दिया जाएगा तो दूसरी कम्युनिटीज भी इसको खुल के सपोर्ट करेंगी। अब जब ये बात आप बोल रहे हैं कि जब दूसरी कम्युनिटीज इसके अगेंस्ट बोल रही है, तो आपने देखा होगा बहुत से पहाड़ी सामने आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो अपना नैरेटिव रख रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट, लेकिन वो क्राइटेरिया क्यों नहीं बाहर चर्चा में है? पॉइंट ये है कि क्राइटेरिया क्यों चर्चा में नहीं है? अगर उसकी बुनियाद पे ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं या बन रही हैं, तो वो क्राइटेरिया वो भी चर्चा में होना चाहिए था, वो भी फ्लोट होना चाहिए था। अब जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से रेंडम इंटरव्यूज लोगों के आ रहे हैं, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है बहुत से पहाड़ी सामने आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि आपको लगता है जो पहाड़ी स्पीकिंग में आपकी बात को काट रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, पहाड़ी एक एथनिक ग्रुप है, वो एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अपना अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार से आज तक हमने नहीं देखा, क्योंकि सर उनको जरूरत नहीं पड़ी कभी इस बात की, क्योंकि उनको पता ही नहीं थी इस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आ जाएगी। देखिए अब जरूरत महसूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है सर, तभी तो आप देखिए कि बहुत से पहाड़ी आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए सर कंट्रोवर्सी तो वहां होती है ना जहां पे गवर्नमेंट आपकी डिमांड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उसको एस्टैब्लिश नहीं कर रही। अच्छा इस बात पे आते हैं, वो कहते हैं हमारा हक मार दिया जाएगा, गुर्जर कम्युनिटी जो एससी स्टेटस में है, इससे कितनी वाकफियत रखते हैं? सर मेरे हिसाब से ये बहुत एक बेसलेस बात है कि कोई ये बात बोले कि हमारा हक हमारे राइट्स चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? अगर आप एक कम्युनिटी हैं और दूसरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट उनको कुछ राइट्स दे रही है, तो पहली कम्युनिटी के राइट्स कैसे चले जाएंगे? पहले तो मुझे यही नहीं समझ आती है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, सबके पास है, गवर्नमेंट उसी तरीके से चीजों को देखती है। अभी तो रिकॉग्नाइज ये करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने अगर हमें एस्टैब्लिश कर दिया है और गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने हमें एस्टैब्लिश कर दिया है और अगर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे लेके जा रही है हर कम्युनिटी का, तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? इस पे क्या कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? और ये बेसलेस बात है, हालांकि आम जनता अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकती है। एक प्रश्न आखिरी रहेगा आपसे, अक्सर जब मैं भी उनसे बातचीत करता हूँ अदर कम्युनिटीज से जो इसके अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि कमीशन को हेड जीडी शर्मा साहब कर रहे हैं, नाम के आगे शर्मा लगा है, ब्राह्मण है, तो वो कैसे एससी स्टेटस यानी कि पढ़ी लिखी जमात शुरू से शर्मा लग गया, बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे, तो वो कैसे एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं शेड्यूल ट्राइब में, वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर कमेटी जो है वो 3 लोगों की बनी है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, उसमें जीडी शर्मा जो है वो उसको लीड कर रहे थे, दैट मींस वो चेयरमैन थे, उसके अलावा और भी 2 लोग हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप जाके पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिलीजियसली लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहती, उसमें बाकी रिलीजन के लोग भी इक्वली शामिल हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जब लोकल कमेटी और देवर कमेटी बनी थी जिन्होंने पीवीटीजी की बात की थी, तो वो भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल। इसका मतलब ये है कि ट्राइबल स्टेटस देने के बाद भी, यानी एसटी स्टेटस देने के बाद भी, कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो अंडर डेवलप्ड रही, तो उनको और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सब कैटेगराइजेशन कर दी जिसको हम पीवीटीजी बोलते हैं। तो उनकी जो कमीशन के हेड थे वो भी डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो दैट मींस कि जब इन्फ्लुएंशियल क्लास, रिलीजन की बात नहीं, इन्फ्लुएंशियल क्लास की बात चलती है। सर कमीशन जो होती है वो बनती है इन्फ्लुएंशियल क्लास के अंडर, वो कभी भी आप देखिए उसमें कौन होंगे, उसमें जजेस होंगे, उसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उसमें आम इंसान कमीशन का पार्ट तो बन ही नहीं सकता ना। तो ये तो बड़ी यूजलेस बात है अगर कोई ये बोले कि कमीशन को हेड करने वाले लोग अपर क्लास से या अपर कास्ट से बिलोंग करते। कमीशन एक रिकॉग्नाइज्ड वो लोग होते हैं जो जुडिशरी का पार्ट। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं? सवाल फिर वही आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सर तो फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या कमीशन मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया जाएगा? हाँ, तो मैं अथॉरिटी में नहीं हूँ ना, मैं आई हैव नो अथॉरिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द कमीशन। जब कमीशन बनाया जाता है तो कमीशन एक अथॉरिटेटिव लोगों के अंडर बनाया जाता है, तो उसमें तो इन्फ्लुएंशियल लोग, इन्फ्लुएंशियल किस सेंस में? इन्फ्लुएंशियल अगर एक ब्यूरोक्रेट है और एक जज है और अगर कोई ऑफिसर है, तो वो इन्फ्लुएंशियल कैसे? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक सिर्फ रिपोर्ट दे रहा है। अब उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, मानेगी या नहीं मानेगी, वो तो गवर्नमेंट तक है। कमीशन सिर्फ अपनी रिपोर्ट देता है
और जब ट्राइबल स्टेटस 1990s में जब दूसरी कम्युनिटीज को मिला था तब भी कमीशन ने सिर्फ रिपोर्ट दी थी, तो जीडी कमीशन ने भी सिर्फ अपनी रिपोर्ट दी है। उसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। जीडी शर्मा साहब की कमीशन ने सिर्फ रिपोर्ट दी है, उनका काम रिपोर्ट बनाना है और रिपोर्ट सबमिट करना है, बाकी काम जो है वो सरकार का है। और ये सारा चीजें जो है डिजिटलाइज तरीके से पार्लियामेंट में पास होंगी। एक चीज सामने जरूर आ रही है कि कुछ 5 क्राइटेरिया गिनाए गए जिसमें से कल्चर, एथनिसिटी और आइसोलेशन का जिक्र किया गया, उसी की बुनियाद पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो स्टेटस दिया जाता है और वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है। लेकिन ये 5 जो क्राइटेरिया है आज तक कभी भी चर्चा में नहीं है, क्या ये डेलिबरेटली छुपाए रखे गए चर्चा में, डिबेट में नहीं है? और दूसरी बात, जिस कम्युनिटी को, जिन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की बात की जा रही है, वो भी म्यूचुअली एक प्लेटफॉर्म पे अपनी डिमांड को रखते हुए नजर नहीं है, शायद कहीं ना कहीं वो भी खिंडविंड है। और यही एक बड़ी वजह है कि आज भी पहाड़ी स्टेटस की बात तो की जा रही है, लेकिन पहाड़ी स्टेटस मिलेगा कब शेड्यूल्ड ट्राइब में, वो देखने वाला वक्त रहेगा। और उसमें देरी इतनी क्यों हो रही है? और इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत हमारी जो थी प्रीति शर्मा जी से चल रही थी, और उन्होंने बड़ी ब्रीफली से इसके ऊपर अपनी बेशकीमती जानकारी जो है वो रखी। बहरहाल इस सारी जानकारी के बारे में आपकी जो वैल्यू राय होगी, कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए कमेंट जो है वैल्यूबल रहेंगे और आम जनमानस को समझने में मदद करेंगे कि आखिरकार पहाड़ी स्पीकिंग को शेड्यूल ट्राइब देना कितना सही है और क्यों इसमें देरी की जा रही है। देख रहे हैं गढ़जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज बिजड़िया, जय हिंद।